नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिलन और हेल्पबॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप घर में फ्री में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको जो चाहिए, यहां पर देखिए टकरी में मेरे पास नमक है, इतना सा नमक का चाहिए। उसके बाद दो ग्लास चाहिए जो फाइबर का होने का बहुत जरूरी है। ये स्टील का ग्लास जो होता है, स्टील का ग्लास या दूसरे का मतलब कुछ मेटल ग्लास लेना चलेगा, फाइबर ग्लास का जरूरत पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए चार पीस मेरे पास ब्लेड है, तो ये ब्लेड का जरूरत पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए एक पीस है जो कॉपर का वायर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉपर का वायर। और दो पीस यहाँ पर देखिए ये एलुमिनियम का वायर है, ठीक है। तो ये एलुमिनियम का वायर दो पीस जरूरत है, और एक होल्डर का, और होल्डर को कनेक्ट करने के लिए टेस्टर या दूसरा आप स्क्रू ड्राइवर यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, और इसके जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का असली तरीका, जो एक्चुअल तरीका आपको बताएंगे। और यहाँ पास मेरे पास 9 वाट का एक एलईडी बल्ब है। तो सबसे पहले आपको जो ब्लेड है, ब्लेड को इस तरीके से आपको कनेक्ट कर लेना है, ठीक है, दोनों साइड में। तो इस तरीके से कनेक्ट कर लेना है, मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर जो दोनों आपको ये कॉपर वायर से कनेक्ट किया, उसके बाद ये जो एल्युमिनियम का वायर है, इससे भी सेम तरीके से ये जो ब्लेड है इसके साइड में इसको कनेक्ट कर देना है। तो मैं इसको भी मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो इसको भी मैं अभी कनेक्ट कर लेता हूँ। और इसका जो एक्चुअल प्रोसेस है और इसका सच्चाई सब कुछ इस वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखते रहिए, और इस तरह का हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को साइड में जो लाइक का बटन है उसको भी प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो इसका भी एक साइड में कनेक्ट करना है, दूसरा साइड जो है वो अभी कनेक्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर एक साइड मैंने कनेक्ट कर लिया, और दूसरा साइड में मैं कनेक्ट कर देता हूँ अभी। इसके बाद मैं यहाँ पर जो होल्डर है, होल्डर को मैं कनेक्ट करूंगा आपके सामने ही। तो ये होल्डर आप देख सकते हैं। तो उसके बाद मैं होल्डर को यहाँ पर जो आपको कनेक्टर दिख रहा है यहाँ पर, इसको मैं सबसे पहले हाथ से ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद जो यहाँ पर आपको वायर दिख रहा है, वायर का दोनों साइड होल्डर के साथ कनेक्ट कर देना है। तो मैं होल्डर के साथ वायर का दोनों साइड कनेक्ट कर देता हूँ। और आपको दिखाने के लिए जो होल्डर है मैं ओपन रखूँगा, इसका जो ऊपर का कवर है, कवर अभी मैं नहीं डालूंगा, कैप जो होता है। अभी मैंने इसको कनेक्ट भी कर दिया है, तो अभी देख सकते हैं यहाँ को, इस होल्डर को तो मैंने ठीक से यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। और उसके बाद क्या करना है आपको, जो मैंने पहले ही दिखाया था, दोनों यहाँ पर जो ग्लास है, दोनों ग्लास लेना है और ग्लास में पानी भरना है। मैं अभी दोनों ग्लास में यहाँ पर पानी भर देता हूँ आपके सामने। ये जो घर का जनरल पानी होता है वो पानी आप वही पानी यूज़ कीजिए। उसके बाद पानी यूज़ करने के बाद दोनों जो ग्लास है उसमें मैं नमक मिक्स करूँगा, तो इतना सा काफ़ी है। और इस ग्लास में भी मैं नमक मिक्स करूँगा, ठीक है। तो उसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। तो उसको जब मिक्स हो जाए ठीक से, तो ये जो सबसे पहले जो कॉपर वाला वायर है यहाँ पर इस तरीके से इसको डालना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो ये वाला होल्डर वाला कनेक्टर है, तो ये मैं यहाँ पर डालना है आपको, ठीक है। और ध्यान रखिए दोनों जो ब्लेड है एक साथ टच ना हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर होल्डर को जो है, होल्डर को ठीक से यहाँ पर आपको पकड़ना पड़ेगा होल्डर को, क्योंकि यहाँ पर शॉक खाने का चांस रहता है। तो इस मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर जब मैं इस बल्ब को देखिए कनेक्ट करूंगा, तो देखिए बल्ब जलने लगेगा, देखिए बल्ब जल रहा है। और यहाँ से मैं
यहाँ पर देखिए दूसरा कुछ भी कनेक्शन नहीं है, और यहाँ से मैं देखिए इस कनेक्शन इसको मैं हटा दूंगा तो देखिए ये बंद हो गया देखिए, और इससे फिर से मैं यहाँ पर लगाऊंगा तो देखिए जल रहा है, मतलब ये बैटरी की तरह काम करता है। और इसके बाद आइए अब इसका मैं जो सच्चाई है सच्चाई उसको बताता हूँ आपको, ठीक है। ये हर तरीके का वीडियो में आपने देखा होगा कि ऐसा आपको दिखा रहा है, एक्चुअली आपका आपके साथ धोखा है। एक्चुअल जो चीज़ है वो एक्चुअली मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो बाल्ब है ये इन्वर्टर बाल्ब है, आप यहाँ पर आपको सामने जूम करके दिखाते हो तो देखिए दिख रहा होगा, ये देखिए इन्वर्टर बाल्ब है, इन्वर्टर बाल्ब देखिए यहाँ पर दिख रहा है, इन्वर्टर एलईडी बाल्ब 9 वाट का, और इसके जो है ये आप हाथ से भी टच करेंगे तब भी जलेगा, देखिए आप यहाँ पर होल्डर को टच करने से ही जलता है, ये मैं फिर से इसको टच करता हूँ, देखिए टच करने से ही ये बाल्ब जलता है। और इसके जो इसका पैकेट मैं आपको बता दिखा देता हूँ, इस तरह का पैकेट यहाँ पर आता है, 9 वाट का बाल्ब है इन्वर्टर बाल्ब, मतलब ये जब पावर चल जाता है तो पावर के बैकअप के लिए ये यूज होता है। और इसका जो परचेस करने का लिंक वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ये अमेजोन से आप परचेस कर सकते हैं उस लिंक पे क्लिक करके। और जो दूसरा जो वीडियो जितना भी वीडियो इस तरह का देखा जाता है कि घर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कीजिए, ये एक्चुअली धोखा है। इस पर क्या हो रहा है, सेम प्रोसेस हो रहा है कि यहाँ से कुछ भी से टच करेंगे दोनों कनेक्टर तो ये जल उठेगा, देखिए यहाँ पर टच करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, होल्डर में जब कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ से कनेक्ट तार जो है यहाँ से होके कारण यहाँ से टच हो रहा है तो तभी जल जा रहा है। तो इस तरह का धोखाफुल वीडियो मत देखिए, और मैं इस तरह का असली नॉलेज और असली ज्ञान के लिए कैसे कुछ सब कुछ हो रहा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलेंगे कुछ नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।